हाय गाइस, वेलकम टू मिलान विद अस। और मिलान आके सबसे पहले हमारा स्टॉप क्या है? मिलान सेंट्रल स्टेशन। सो मिलान का आइकॉनिक सेंट्रल स्टेशन है और इसका आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं अंदर। मिलान सेंट्रल स्टेशन अर्ली 20th सेंचुरी में बन गया था एंड इसका जो ये एंट्रेंस है, ये ग्रैंड एंट्रेंस को ही लोग एडमायर करने जनरली आते हैं। और अब अगर अंदर जाएंगे तो अंदर भी इसी तरीके से हमें इसका आर्किटेक्चर देख। तो अगर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल और इंटरसिटी सारी ट्रेन्स कनेक्शंस आपको मिलेंगे। मेट्रो भी यहीं से कनेक्टेड है, तो इफ़ यू आर गोइंग देयर मस्ट विजिट। हमने लिया है डे पास सो दैट हम पूरा दिन जितने भी आइकॉनिक एग्जैक्टली। और ये कितने का था? ये है 7 यूरो 20 सेंट्स एंड ये 24 आवर्स के लिए वैलिड है। फ्रॉम द टाइम ऑफ बाइंग 24 आवर्स के लिए वैलिड है। तो आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो डे पास लेना काफ़ी सही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर अपनी। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दुआमो। दुआमो कैथीड्रल, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड ब्यूटीफुल कैथीड्रल्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ अ काइंड इन इटली। इसका जो ये आर्किटेक्चर है, इसकी वजह से, इस वाइट मार्बल की वजह से ही काफ़ी फेमस है। हमने एक पिक्चर क्लिक करवाई थी दुआमो के जस्ट बाहर फॉर अ मेमोरी। और काफ़ी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो फोटोग्राफ क्लिक करते हैं एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड टू डू इट। और ये हमें 3 यूरो कॉस्ट किया फॉर वन पिक्चर। तो यहाँ दुआमो के बाहर इसकी रूफ टॉप पर जाने के लिए ये डिफरेंट लाइंस लगी हुई थी, एक चर्च के अंदर जाने के लिए, कैथीड्रल के अंदर विजिट करने के लिए एंड दूसरा रास्ता है रूफ टॉप पर जाने के लिए। तो क्योंकि ये ईस्टर टाइम था जिस टाइम पे हम गए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसकी टिकट्स आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो और यहाँ से भी मिल जाएगी। हम लोग ने एक्चुअली ये सोचा था कि हम वहीं जाकर ले लेंगे, हम लोगों ने प्लान नहीं किया था और एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जो यहाँ की वन ऑफ द टॉप थिंग्स टू सी है विक्टोरिया इमैनुअल 2 जस्ट दुआमो के सामने है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट है। पहुँच गए हैं फैशन स्ट्रीट में। तो हमारे दोनों साइड पे स्ट्रीट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं और सारे के सारे आई थिंक दे आर लाइक वेरी टॉप क्लास, टॉप वर्ल्ड क्लास डिजाइनर ब्रांड्स। तो हमारा नेक्स्ट एंड एक मस्ट विजिट स्टॉप है लूनी। लूनी पैंजरोटी ऑलमोस्ट सेंचुरी ओल्ड बोला जाता है एंड ये यहाँ की पैंजरोटी सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सुबह से ही लाइंस लगनी स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि ये इतना आइकॉनिक स्पॉट है। स्टॉप इज दिस ऑस्ट्री ऑफ सैन बर्नार्डिनो, एक बहुत ही डिफरेंट चर्च है ये हमारे पीछे। तो दिस इज़ द नेक्स्ट मस्ट विजिट व्हेन यू आर हियर इन मिलान। तो ये चर्च अपने गॉथिक आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है मिलान में एंड जब आप अंदर जाओगे तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है बाकी चर्चेस से। यहाँ पे जो इसके आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो इस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इसके यहाँ के आर्ट वर्क्स शो करते हैं अपने टाइम के आर्टिस्ट के ग्रेट वर्क को एंड इसीलिए यहाँ पर इसे रखा। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते चलते हमने डिस्कवर किया इस पार्क को, सैम्पियोने पार्क। एंड जब चेक किया तो पता चला कि ये मिलान का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क्स है एंड यहाँ पर लोग पिकनिक करने आते हैं एंड देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक चिल्ड्रन प्ले एरिया भी था। तो और बहुत ही सुंदर पार्क है जस्ट इन द हार्ट ऑफ सिटी। सो आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने से पहले इस पार्क पर ज़रूर जाएँ।
हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी आर्को डेला पीस। इसे आर्क ऑफ पीस भी बोला जाता है, आर्क ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है। तो मिलान में जब नेपोलियनिक वॉर ख़त्म हुई थी, तो इसे एज अ सिंबल ऑफ पीस एंड एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री बनाया गया था। एंड इस पूरे एरिया में आप आराम से बैठ सकते हो। चाइना टाउन और यहाँ पे पूरी स्ट्रीट पे चाइनीज रेस्टोरेंट एंड चाइनीज शॉप्स हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव चाइनीज फूड आफ्टर ऑल दैट पिज्ज़ा एंड पास्ता। तो लेट्स फिगर आउट कि हम कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं नेक्स्ट। सो दैट्स आवर फर्स्ट रेस्टोरेंट जहाँ पे हम आए हैं खाने के लिए। एंड की खा के बताएगा कैसा है। दिस इज वॉट वॉट डिड यू ऑर्डर? या चिकन, आई थिंक स्पाइसी चिकन एंड नूडल्स। अच्छा तो ये रेस्टोरेंट हमने फाइंड आउट किया है एंड आई थिंक मैं पोस्ट बता दूंगी कौन सी लोकेशन। अभी नाम चेक करती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा है, वो है नूडल्स एंड सूप। तो जैसे ही अगर आप इधर से एंटर करोगे तो ये मैक का स्टोर है एंड मैक के स्टोर से थोड़ा सा आगे ऑन द राइट इज दिस शॉप। वेरी गुड। तो सिटी एक्सप्लोर करने के लिए हम ये सिटी टूर बस भी ले सकते हैं। इसकी टिकट्स ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। तो ये था हमारा वन फुल डे इन मिलान एंड ऑल द प्लेसेस दैट वी विजिटेड इन वन डे। सारी ही हमने मोस्टली पॉपुलर प्लेसेस कैप्चर करने की कोशिश करी एक दिन में। एंड वी होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।